ओम शांति। दीपावली दीपों का एक त्योहार, सारे भारत में और विश्व के उन कोनों में भी जहां भारतीय बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसका रहस्य क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, जिसके लिए हमने पहले वीडियो में देखा आत्म दीप जगाना है, ना कि ये स्थूल दीप जलाना है। दीपावली का महत्व है कि हमारे भारत के सभी त्योहारों में सबसे श्रेष्ठ त्योहार है, जिसमें सभी मिलकर घर घर दीप जलाते। आजकल दीप का प्रचलन कम हो गया है, उसकी जगह अनेक प्रकार की बिजली की लाइटें अपने घर में चारों तरफ लगाई जाती है, और एक दिन लगाई जाती हैं, कुछ ज्यादा दिन तक भी चलती रहती हैं। परंतु क्यों लगाई जाती है, एक दिन ये दीप जलाने से क्या होता है? यदि हम दीपक जलाने को ले तो मिट्टी के दिए हमने बेकार किए, कितना तेल हमने बर्बाद किया, मोमबत्ती जलाई तो मोमबत्ती बर्बाद की, किस लिए जलाई? चाहे हमने दिए जलाए चाहे मोमबत्ती जलाई, हमने प्रदूषण में सहयोग दिया। और एक दिन हमने इतनी सारी लाइटें लगा दी चारों तरफ घर में, इधर से उधर से, और उनको लगाने से हमने बिजली का भी कितना नुकसान किया। जहां हम प्रचार करते हैं कि बिजली बचाओ, और वहां हम बिजली का दुरुपयोग करके कुछ लाभ मिलता हो तो बताएं। इससे कोई फायदा होता हो तो बताएं। दिवाली पर अरबों रुपए की आतिशबाजी चलाने के बाद फायदा होता हो तो बताएं। परंतु प्रचलित है सब एक दूसरे के देखा देखी, ज्यादा से ज्यादा आतिशबाजी, ज्यादा से ज्यादा लाइटें, ज्यादा से ज्यादा दिए, ज्यादा से ज्यादा मोमबत्तियां जलाते। वास्तव में परमात्मा कहते बच्चे सब अपना अपना आत्म दीप जगाओ, ज्ञान का दीप जगाओ, अपने जीवन में जो अंधेरा है उसे दूर करो, अपनी जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को जलाओ। लक्ष्मी का आह्वान करते इस दिन, हर साल लक्ष्मी के स्वागत के लिए घरों की सफाइयां की जाती है, दीप जलाने और पूजन की परंपरा है। लक्ष्मी धन की देवी समझी जाती है, वो जिसके घर में आती है उस घर में धन धान्य संपन्न हो जाता है। दिवाली पर किसके घर में लक्ष्मी आई हो तो नीचे मोबाइल नंबर दिया है, मुझे लिखकर भेजना। किसके घर भी लक्ष्मी आई हो,
जिसके घर धन की वर्षा हो गई हो, जो उन्होंने दरवाजे खुले रख के लक्ष्मी बाहर निकाल के रख के पूजन किया था, वो डबल हो गया हो, चला गया हो तो वो मत बताना, डबल हुआ हो बताना, बढ़ गया हो तो बताना। वास्तव में सबसे बड़ी लक्ष्मी है ज्ञान, जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है। उस ज्ञान को प्राप्त करें, वो ज्ञान घृत आप आत्मा के दीप में वो ऊर्जा भर देगा, वो प्रकाश भर देगा, अंधकार दूर कर देगा, जिसके आधार पर आप अधिक से अधिक जीवन को सुखी बनाने के लिए स्थूल धन भी कमा सकेंगे। सत्य के मार्ग पर चलकर थोड़ा धन भी घर में खुशी दे सकता है, परंतु असत्य के मार्ग पर चलकर कितना भी धन हो वो अल्टीमेट दुख ही देगा। इसलिए लक्ष्मी का आह्वान करना है तो हमें अपने अंदर से अंधकार दूर करना होगा। अज्ञानता का अंधेरा निकलेगा तब तो हमारे जीवन में सच्ची लक्ष्मी, सच्चा धन आएगा। अब लक्ष्मी का वाहन उल्लू, और हमने घर में जला रखी है तेज लाइटें, बताओ लक्ष्मी को लेकर के वो कैसे घर में घुसेगा? वो लाइट में कैसे आएगा? उसको दिखाई नहीं देगा। एकदम विपरीत बात है, पता ही नहीं कैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। उड़त रोशनी में देख भी नहीं सकता, तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांस होंगे, लक्ष्मी बेचारी घायल हो जाएगी। परंतु लक्ष्मी ज्ञान है जो अंधेरे में रोशनी करती है, वाहन से इसका कोई संबंध नहीं। लक्ष्मी आएगी, अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा, ज्ञान की रोशनी होगी। हमने पहली रोशनी कर रखी है तो वहां उल्लू कैसे लेके आएगा लक्ष्मी? उस रोशनी से इसका कोई संबंध नहीं है। लक्ष्मी आती है अमावस्या की घोर अंधेरी रात में। ताकि हमारे जीवन में ज्ञान का उजाला हो, ज्ञान की रोशनी। आज सारे संसार के अंदर अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ज्ञान हो। ज्ञान के अभाव में ही हम सबके जीवन में दुख आते हैं, अशांति आती है। उस ज्ञान का अनुभव कराने के लिए परमपिता परमात्मा आते हैं। इस समय कलयुग की घोर अंधेरी रात है। इस समय परमात्मा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को घोर सोजरे में ले जाते, ज्ञान के आधार पर। तो ये वो अंधेरा है, ये वो अज्ञानता की अंधेरी रात है, जब
वास्तव में दिवाली करने के लिए सब आत्माओं को दिए, सब आत्मा के दीपक को जगाने के लिए, ज्ञान देने के लिए परमात्मा आकर अपना रोल प्ले करते। तो इस समय अज्ञानता के अंधेरी रात से हमें ज्ञान के रोशनी में जाना है। उसके लिए परमपिता परमात्मा शिव दीपावली का असली रहस्य समझाते कि लक्ष्मी को बुलाने के लिए हमें देवी गुणों को अपनाना होगा। हमारे इस विश्वविद्यालय का जो लक्ष्य है वो है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। परमपिता परमात्मा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। हमने लक्ष्मी का आह्वान नहीं करना, हमने लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करना। तो परमपिता परमात्मा आकर सच्ची दिवाली का रहस्य समझाते कि हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता अभी बनना है। अभी हम बनेंगे तभी तो हम स्वर्ग में जाकर सुख का जीवन व्यतीत कर सकें। सतयुग के अंदर स्वर्ग में सभी नर नारायण और सभी नारी लक्ष्मी कहलाती। हम भक्ति में सुनते आए कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। अब ऐसी करनी करना कौन सिखाएगा? स्वयं परमपिता परमात्मा आकर सिखा रहे। आपका अधिकार है, क्योंकि कलयुग के बाद क्या आना है? सतयुग आना है। सतयुग में कौन होंगे? सभी नर नारायण और सभी नारी लक्ष्मी। परंतु जाएंगे कौन? जो अभी परमात्म डायरेक्शन पर अपने आप को बनाएंगे। सच्ची सच्ची दिवाली मनाएंगे। आध्यात्मिक सफाई, आत्मा में 63 जन्मों से, एक जन्म दो जन्म की बात नहीं है, 63 जन्मों से। 63 जन्म का मतलब क्या है, इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हम आत्माएं ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेते हैं। यहां हमें 84 जन्मों की, भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी समझाई है। संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं कि 8 जन्म सतयुग में होते हैं 1250 साल के अंदर, और 12 जन्म त्रेता में होते हैं, और एक जन्म संगम का होता है। 21 जन्म हमारे ये होते हैं स्वर्ग के, इसको कहा जाता है स्वर्ग। और यहां से द्वापर से शुरू होता है नर्क, वहां हमारे 21 जन्म होते हैं द्वापर में, और ये 42 जन्म होते हैं कलयुग में। तो 63 जन्म, ये जो 63 जन्म है, यहां से हम विपतित होना शुरू होते हैं। पतित होते हैं, दुखी होते हैं, तो भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं। जब भक्ति करते करते भी भक्ति भी तमो प्रधान हो जाती है। आप यहां देख रहे हैं कि आज भारत की धरती पर किस प्रकार से भक्ति का रूप हो गया। देवियों की पूजा करके 5-7 दिन 8 दिन बाद जाकर पानी में डुबो देते हैं। क्या सम्मान है हमारा देवियों के प्रति। आज धर्म अधर्म बन गए। ऐसे समय में परमात्मा आकर फिर से सारे संसार की आत्माओं को सच्ची सच्ची दिवाली मनाने के लिए, सभी आत्मदीप को जलाने के लिए ज्ञान घृत बांटते, ज्ञान घृत देते हैं।
ये वो समय है जब परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि भगवान जब अकल बांट रहे थे तो तुम कहां सोए हुए थे। आए आ करके अपनी ज्योति को जलाए, और जो 63 जन्म से इतने विकार द्वापुर से हमारे अंदर आए, उन विकारों को अपने जीवन से निकाले। केवल अपने मकान के कचरे को बाहर निकालने से इतना लाभ नहीं होगा, वो बात ठीक है, हम अपने घर के कचरे को निकालेंगे, मच्छर बीमारियां जीवाणु जो भी मतलब हानिकारक है वो सफाई हो जाएगी और हमारा जीवन स्वस्थ चलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। परंतु असली तो बीमारी हम आत्माओं में है, उन आत्माओं के अंदर जो ये विकार हैं, उन विकारों से हम मुक्त होंगे। आज सारी कोर्ट के अंदर जितने भी केस हैं, इस विकारों के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, काम विकार के कारण, जिनको सारा संसार आज दुखी होने का यही एक आधार है। और इन सब की हम सफाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम सच्ची लक्ष्मी बन सकेंगे। लक्ष्मी प्राप्त नहीं करेंगे, लक्ष्मी बन जाएंगे। हमने लक्ष्मी नारायण बनना है। नारायण बने तो भी लक्ष्मी मिलेगी, और लक्ष्मी बने तो लक्ष्मी है ही है। तो एक जन्म हम पुरुष बनते हैं, एक जन्म हम स्त्री बनते हैं। हर आत्मा को लक्ष्मी भी बनना है और नारायण भी बनना है। सच्ची दिवाली लक्ष्मी और नारायण के राज्य की स्थापना के लिए आत्मा की पवित्रता और ज्ञान की आवश्यकता है, जो ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।